हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई भी वॉच में इंस्टाग्राम गेट कर सकते हो। तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपको कैसे इंस्टाग्राम गेट करना है अपनी वॉच में। तो आपको उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो भी आपकी वॉच उसमें नेटवर्क ऑन करना ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टाग्राम चालू चलाने के लिए नेट तो लगता ही है। तो आप देखोगे तो यहाँ भी नेटवर्क पे क्रॉस आ रहा है, तो आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद कनेक्टिविटी में जाना है और कनेक्टिविटी में जाके वाईफाई ऑन कर देना है। तो वाईफाई ऑन होने के बाद अब आप देखोगे तो ये अभी कनेक्ट होगा फ़ोन से। तो इसे कनेक्ट होने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो आप देख सकते हो कि कनेक्ट हो चुका है फ़ोन से। तो अब जो वॉच है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है। और गाइज, ये वॉच ओप्पो की है और ये एंड्रॉयड वॉच है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है और मेरे को पर्सनली वॉच बहुत ही पसंद है। आप देख सकते हो इसमें ओप्पो का भी लोगो है और इस वॉच की डिटेल भी हम आपको हर एक चीज़ एकदम डिटेल में दिख रही होगी, जैसे कि आज संडे है, ये सब इसमें एकदम डिटेल में दिखता है। और इसका डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इंस्टाग्राम कैसे खोलना है। तो आपको वॉच में ऐप्स में जाना है, तो यहाँ आपको सारे ऐप्स देखने मिलेंगे। तो ये वॉच बिल्कुल एंड्रॉयड फ़ोन के जैसी होती है और इसमें आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको प्ले स्टोर मिलता है और जैसी आप जब वॉच आप नवी लोगे तो आप उसको स्टार्ट करोगे तो ऑलरेडी वो ऐप्स है ना अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाती है। तो उसके बाद आप इसमें कोई भी ऐप चला सकते हो। तो अब आप देखोगे तो इसमें मैंने कई सारे ऐप्स लोड करके रखे थे, तो आप ये सब ऐप्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक ऐप खोल के, जैसे कि ये सबवे सफ़र है। तो अब ये थोड़ा लोड होगा, तो आप देख सकते हो इसमें ऐप खुल चुका है और आप यूज भी कर सकते हो ऐप। तो इसमें आप काफी ऐप्स यूज कर सकते हो, पर कुछ कुछ ऐप्स बहुत अटक अटक के चलते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम को ना मैंने इसमें इंस्टॉल किया था और ये लॉगिन है, मैंने इसको लॉगिन भी कर ही लिया था। आप भी अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना। तो एक्चुअली ये मेरी आईडी नहीं, किसी और की आईडी है, मैंने बस आपको बता रहा हूँ मैं ये आईडी से। तो आप इसमें पोस्ट देख सकते हो, इसमें रील्स खोल सकते हो। ये देखिए, आपको यहाँ रील का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से रील्स खोल सकते हो। तो आप इसमें कोई भी रील देख सकते हो। और आपको सबसे अच्छी बात है कि इस वॉच में रील्स में आवाज़ आएगी, आप ऐसे कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो वॉच में। वॉच में कीबोर्ड है, बिल्कुल एंड्रॉयड के जैसी वॉच है ये। तो आप इसमें कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो। इसमें होम होता है, इसमें होम स्क्रीन है, सर्च कर सकते हो, रील्स देख सकते हो, स्टेटस देख सकते हो किसी के भी इंस्टाग्राम में। तो पूरा इंस्टाग्राम आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ वॉच से, और पोस्ट नहीं कर सकते हो बस, क्योंकि ये वॉच है, इसमें गैलरी नहीं होती। वैसे तो मैंने सैमसंग की वॉच पे भी ये एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको एक बार चैनल विजिट करना है तो आप एक बार चेक कर सकते हो वीडियो। तो ये वॉच में गैलरी नहीं है, सैमसंग की वॉच में गैलरी होती है, पर आप फोटो फिर भी नहीं अपलोड कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम वॉच से, और ये काफ़ी बड़ी बात है कि एक वॉच में आप इंस्टाग्राम देख सकते हो, क्योंकि वॉच इतनी छोटी होती है और इसमें इतने बड़े ऐप्स का चलना बड़ी बात है। और मैंने व्हाट्सएप पे भी वीडियो बनाई थी कि आप व्हाट्सएप कैसे यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ मेरा चैनल विजिट करो। और गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।